हेलो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो कोई कहानी नहीं है, कोई ड्रामा नहीं, कोई प्ले नहीं। एक-एक बात जो लिखी गई है ना, 100% 100% सच सच लिखी गई है। और जिसके बारे में हम पढ़ेंगे ना, वो बहुत महान इंसान है। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि आज मैं तुम्हें अपनी कहानी बताऊंगी, तो बेटा ऐसा नहीं है। आज हम पढ़ेंगे आइंस्टाइन के बारे में। और आइंस्टाइन सुन के क्या याद आता है? जीनियस। बिल्कुल सही। वैसे ना, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें लगेगा कि आइंस्टाइन की लाइफ और तुम्हारी लाइफ बहुत कुछ सेम है। इसका सीधा मतलब है कि आइंस्टाइन जैसा महान बनने का पोटेंशियल ना तुम्हारे अंदर भी है, बस तुम्हें उसको ढूंढने की जरूरत है। और 7 बातें तो मैं तुम्हें ऐसी बताऊंगी जो बिल्कुल तुम्हारी लाइफ और आइंस्टाइन की लाइफ की कॉपी पेस्ट है, 100% मैच करती है। फिर से वही मतलब निकलता है कि तुम अपने आप को ना बिल्कुल कमजोर मत समझो, तुम भी बहुत महान बन सकते हो। वैसे एक बात मैं तुम्हें बताऊं, जब भी कोई महान इंसान पैदा होता है ना, तो वो महानता का कोई टैग लगा के नहीं आता। आई एम ग्रेट ऐसा कहीं नहीं होता। और हर महान इंसान को दुनिया शुरू में ना बेवकूफी समझती है। ऐसे आइंस्टाइन के साथ भी हुआ था। जब आइंस्टाइन पैदा हुए थे ना, और उनके बचपन तक दुनिया उनको बेवकूफ समझती थी। किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा बड़ा होके आइंस्टाइन बनेगा। ऐसे ही तुम्हारे साथ भी होता है ना, तुम्हारे आस पड़ोसी रिश्तेदार सब तुमको स्टूपिड ही समझते हैं ना। इसका सीधा मतलब है दुनिया हर महान इंसान को शुरू में स्टूपिड ही समझती है। तुम्हें भी समझ रही है, मतलब तुम आइंस्टाइन या उससे भी बड़े वाले बन सकते हो। अब बात है 1879 जर्मनी की। जर्मनी सुन के तुम्हें क्या याद आता है? वो छोटा सा अजीब सी हेयर स्टाइल, इतनी इतनी सी मूंछों वाला गंदा सा आदमी हिटलर। ये तब याद आएगा जब तुमने हिस्ट्री को सीरियसली लिया होगा। खैर छोड़ो, अपन आ जाते हैं अंग्रेजी पे। बात है 14 मार्च 1879 जर्मनी की। इस दिन आइंस्टाइन भाई साहब का हैप्पी बर्थडे। इसी दिन वो प्रकट हुए थे। और जिस दिन वो प्रकट हुए ना, उनका सिर यूजुअल साइज से थोड़ा सा बड़ा था। तो उनकी मम्मी को लगता था कि ये थोड़ा फ्रीक स्टूपिड काइंड ऑफ बच्चा है। जैसे आइंस्टाइन की मम्मी को लगता था ना कि वो बेवकूफ है, कभी नहीं सोचा होगा उन्होंने कि आइंस्टाइन बड़ा होके आइंस्टाइन बनेगा। ऐसे तुम्हारी मम्मी को भी, अब मुझे नहीं पता तुम्हारी मम्मी को क्या लगता है, पर अगर लगता है कि तुम भी ऐसी बेवकूफ टाइप के बच्चे हो, तो ये है सिमिलैरिटी नंबर वन। अब जब तक आइंस्टाइन 2.5 साल के हुए थे ना, 2.5 बोले तो 2.5, तब तक भी वो ना अच्छे से बोल नहीं पाते थे। और जब बोलते थे तो हर चीज को रिपीट करते थे 2 बार। और उनके शौक ना बाकी बच्चों से बहुत अलग थे। उनको मैकेनिकल टॉयज से खेलना पसंद था। उनके शौक और ये मैकेनिकल टॉयज की इतनी खेल खाल की वजह से ना, उनके दोस्त उनको ब्रदर बोरिंग कहते थे। और एक मजेदार बात, जब उनकी बहन पैदा हुई ना, बहन का नाम पता है क्या? माजा। खैर गर्मियों के दिन आ रहे हैं तो माजा पे से ध्यान हटाओ और आइंस्टाइन के बारे में वापस सुनो। जब उनकी बहन पैदा हुई ना, तो उन्होंने पता है क्या पूछा कि अरे इसके व्हील्स कहाँ हैं? सोचो, ये सुन के उनकी मम्मी को कितना गुस्सा आया होगा। मन तो क्या होगा, एक चमाट लगाऊं, नए नए बच्चे के कोई व्हील्स ढूंढता है। पर ऐसा उन्होंने किया नहीं। उनकी मम्मी ने उनको कोई चमाट नहीं लगाई। जब तक वो बोलना नहीं सीखे थे ना, तो हर मम्मी पापा की तरह उनके मम्मी पापा को भी चिंता होती थी। उनको लगता था पता नहीं, एक तो सिर वैसे ही बड़ा है, बोलना भी नहीं सीखेगा, तो किस काम की ऐसी औलाद, एकदम नाकारा। पर एक दिन उन्होंने फाइनली अपना साइलेंस ब्रेक किया और पता है क्या बोले? वो बोले, द सूप इज टू हॉट। उनके मम्मी पापा को शांति हुई कि चलो इसको बोलना तो आता है। उन्होंने बोला, अभी तक तुमने क्यों कभी कुछ नहीं बोला? पता है क्या बोले वो? बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। मतलब टू दी पॉइंट बात करता था बंदा। जब सब कुछ सही चल रहा है तो क्यों बोलना, ऐसा वो सोचते थे। एक बार आइंस्टाइन के स्कूल के हेडमास्टर ने उनके पापा को क्या बोला पता है? कि आइंस्टाइन कुछ भी कर ले, कुछ भी, वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। दिस इज सिमिलैरिटी नंबर टू। आई एम श्योर तुम्हारे पापा मम्मी भी जब पीटीएम में जाते होंगे ना, तो स्कूल के टीचर्स यही बोलते होंगे कि आपका बच्चा
किसी काम का नहीं है। स्कूल में पीछे बैठ के टिफिन खाता है, होमवर्क नहीं करता है, कॉपीज इनकम्प्लीट रहती हैं, एग्जाम में मार्क्स भी कम आते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। पर बिल्कुल चिंता मत करो, आइंस्टाइन के मम्मी पापा को भी यही सब सुनने को मिलता था, पर वो बना ना आइंस्टाइन। तो ऐसी बातों को एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो और तैयारी शुरू कर दो आइंस्टाइन बनने की। जब वो 6 साल के हुए ना, तो उन्होंने अपनी मम्मी के कहने पे वायलिन बजाना सीखा, और क्या प्यारा वायलिन बजाते थे। ही वॉज अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग ना तुम्हारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, तो ये मत करना कि कान में ईयरप्लग्स लगा के आंखें बंद करके तुम प्रवचन का आनंद ले रहे हो, देखते भी रहना कि स्क्रीन पे चल क्या रहा है। जर्मनी की एक सिटी है, नाम है म्यूनिक। वहाँ के जिस हाई स्कूल में वो पढ़ते थे ना, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ही आते थे उनको। पर फिर भी उस स्कूल का जो रेजिमेंटेशन था ना, रेजिमेंटेशन बोले तो एक्सट्रीम लेवल का डिसिप्लिन, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। 15 साल के होते होते ही फेल्ट स्टिफल्ड देयर। स्टिफल्ड बोले तो उनको ना उस स्कूल में सफोकेशन लगने लग गया था। इसका ये मतलब नहीं कि उस स्कूल में दरवाजे खिड़की नहीं थे, इसका मतलब कि इतने ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस थे कि उनको ऐसा लगता था कि ये स्कूल उनके लायक नहीं है। तो वो पता है कहाँ शिफ्ट हो गए? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सुन के तुम्हें क्या याद आया? बर्फ की वादियाँ, रोमांटिक सीन। इसलिए नहीं गए थे वो गए थे वहाँ पढ़ने। हालांकि बाद में उन्होंने भी नैन मटक का तो कर ही लिया, पर खैर हम अभी काम की बात पे आ जाते हैं। स्कूल की पढ़ाई करने के बाद ना, इन्होंने ज्यूरिख की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और वहाँ जाके अब अगर तुम सोच रहे हो कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो साइंस में इतना इंटरेस्ट था, तो मैं एक बात तुम्हें बता दूँ, ये जो हमारे यंग डैशिंग घनी मूंछों वाले आइंस्टाइन भाई साहब थे ना, इनको और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें इंटरेस्ट आता था। वहाँ उनको एक लड़की मिली, नाम था मिलेवा मैरिक। पता है इन दोनों की बातचीत कैसे शुरू हुई? क्योंकि आइंस्टाइन को लगता था कि ये जो लड़की है ना, ये क्लेवर क्रिएचर है, बाकी लड़कियाँ तो बेवकूफ़ी होती हैं, और ये वाली जो लड़की है, बोले तो मिलेवा, वो स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ने आई थी तुम्हें पता है? क्योंकि बाकी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ ना लड़कियों को उस टाइम पे डिग्री नहीं देती थी। ये जो प्यार मोहब्बत वाली बातें होती ना, ये सिमिलर इंटरेस्ट सिमिलर माइंडसेट वाले लोगों के बीच में ही होती है। ये जो दोनों थे ना, थे तो दोनों इंटेलिजेंट, और ये जो दोनों थे, इनको फिलिस्टेंस जो थे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, बहुत अगेंस्ट थे ये लोग। अब तुम सोच रहे होंगे फिलिस्टेंस क्या होते हैं? तो ये ऐसी प्रजाति होती है जिनको आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक बहुत गंदे लगते हैं, कोई लेना देना नहीं होता इन चीज़ों का। आइंस्टाइन और मिलेवा, इन लोगों को ना फिलिस्टिन से बहुत जड़ थी। क्यों? क्योंकि ये लोग आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, इनको बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। सोचो, आइंस्टाइन जो था ना, वो सिर्फ एक साइंटिस्ट ही नहीं था, साइंस में तो थे ही भाई साहब, ऊपर से आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों में भी इनका डीप इंटरेस्ट था। जब आइंस्टाइन और मिलेवा की लव स्टोरी चालू हुई ना, तो उन्होंने भी एक दूसरे को लव लेटर्स लिखे। अब उस टाइम पे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और बाकी ऑप्शंस तो थे नहीं कि चैट कर लेते। तुम अपने मम्मी पापा से पूछना, अगर उनकी लव मैरिज हुई होगी ना, तो उन्होंने भी एक दूसरे को लव लेटर्स लिखे होंगे। वैसे हो सकता है कि लव मैरिज, लव लेटर्स की बात सुन के तुम्हारे मम्मी पापा संभाल लेना अपने हिसाब से। चलो अब देखो, जब आइंस्टाइन ने लव लेटर लिखा होगा तो उसमें कहीं ना कहीं साइंस तो घुसाया ही होगा, तो उनके जो लव लेटर्स थे ना, वो साइंस और इमोशन दोनों का कॉम्बिनेशन थे। अब जब वो 21 साल के हुए ना, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, बात है 1900 की, तो वो हमेशा की तरह, हर ग्रेजुएट की तरह अनएम्प्लॉयड थे। अब अगर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारा भी प्लेसमेंट ना हो ना, बिल्कुल चिंता मत करना, ये तुम्हारे लिए एक अचीवमेंट होगा, दैट इज सिमिलैरिटी नंबर 4, क्योंकि आइंस्टाइन का भी नहीं हुआ था। बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। 1902 में ना फाइनली उनकी जॉब लगी टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह, और जॉब करते करते ना
वो अपने आइडियाज पे सीक्रेटली काम कर रहे थे, और जहाँ वो जॉब करते थे वहाँ उनकी डेस्क का जो ड्रॉवर था उसको पता है सीक्रेटली वो क्या कहते थे? कहते थे ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स। 1905 में उन्होंने एक पेपर रिलीज किया जिसमें थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें उन्होंने दुनिया को पहली बार बताया कि डिस्टेंस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं होते, रिलेटिव होते हैं। अब मैं तुम्हें एक बेसिक एग्जाम्पल बताती हूँ, एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या होता है रिलेटिव और क्या होता है एब्सोल्यूट। अगर तुम एक बहुत सुंदर सी प्यारी सी लड़की के साथ बैठे हो, 2 घंटे तुमने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा कि ये 2 घंटे 2 मिनट की तरह निकल गए। और अगर यही तुम्हें गर्म स्टोव पे 2 मिनट के लिए बिठा दिया जाए ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये 2 मिनट नहीं 2 घंटे का टाइम था। इसको कहते हैं रिलेटिव। 2 घंटे 2 ही होते हैं, पर कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो 2 घंटे बहुत लंबा ड्यूरेशन है, कभी तुम्हें लगेगा कि वो 2 घंटे बहुत छोटा ड्यूरेशन है। तो डिपेंड करता है कि तुम किस चीज़ के रिलेटिवली उसको मेजर कर रहे हो। आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन डिराइव करी, इक्वेशन थी E=mc², और ये जो इक्वेशन थी ना इसने इस पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। भयंकर पॉपुलर हुई थी ये इक्वेशन। जब ये भाई साहब फिजिक्स की एक से बढ़कर एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए थे ना, तो उनकी प्राइवेट लाइफ, दैट टाइम हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरैवलिंग। अनरैवलिंग मतलब थोड़ी डिस्टर्ब से चल रही थी। दिक्कत ये थी कि वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे, पर उनकी मम्मी अगेंस्ट थी। दैट इज सिमिलैरिटी नंबर 5। जो लड़की तुम्हें पसंद आती है वो तुम्हारी मम्मी को कभी पसंद नहीं आती। मिलेवा क्यों पसंद नहीं थी पता है? क्योंकि वो आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी, और उनकी मम्मी को लगता था शी इज अ बुक लाइक हिम, मतलब कि ज्यादा इंटेलिजेंट थी, बिल्कुल किताबी कीड़े की तरह। मम्मी की बात नहीं सुनते हुए दोनों ने जनवरी 1903 में शादी कर ली और 2 बेटे भी पैदा कर लिए। इनकी शादी में ना धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। मिलेवा ना एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बनती जा रही थी, और फाइनली 1919 में उन दोनों का ना डिवोर्स हो गया। पर एक मजेदार बात, उसी साल उसी सेम ईयर में आइंस्टाइन भाई साहब ने ना दूसरी शादी कर ली, और दूसरी शादी किससे की? अपनी कजिन से। उनका नाम था एल्सा। अब देखो, एक लड़की गई दूसरी लड़की आई, कोई टेंशन नहीं, दैट इज सिमिलैरिटी नंबर 5। अब यहाँ से ना उनकी पर्सनल और पब्लिक लाइफ का नया चैप्टर चालू हुआ। यहाँ पर 1915 में उन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया। कौन सा पेपर? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और उस पेपर के रिलीज होते ही दुनिया भर में तहलका मच गया, और इसी के लिए उनको नोबल प्राइज फिजिक्स का दिया गया। अब 1933 में जर्मनी में ना नाजीज आ गए थे पावर में। अब तो मैं पता है नाजीज तो नाजीज थे, उन लोगों ने ना एटॉमिक बॉम्ब बना लिए थे। ये बात ना आइंस्टाइन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने जर्मनी छोड़ के वो यूएसए शिफ्ट हो गए, पर उन्होंने जर्मनी वालों को बोला कि देखो ये जो तुम कर रहे हो ना ये बहुत गलत कर रहे हो, ये जो न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी थी ना उसकी वजह से ही वॉज इन एन अपरोल। अपरोल मतलब थोड़े अपसेट, थोड़े डिस्टर्ब थे। 2 अगस्त 1939 को उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट, उस टाइम का प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को एक लेटर लिखा। उन्होंने लिखा कि ये जो बॉम्ब है ना अगर इसको एक पोर्ट पे गिराएंगे तो वो पोर्ट तो तबाह हो गई, आसपास की टेरिटरी भी तबाह हो जाएगी। पर इस बात को अमेरिका वालों ने सीरियसली नहीं लिया। दैट इज सिमिलैरिटी नंबर 6। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने जो बात बोली वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, बहुत काम की बात थी, पर दुनिया उसको ना सीरियसली नहीं लेती। ऐसे ही आइंस्टाइन के साथ भी हुआ। और तो और पता है अमेरिका वालों ने ये बात नहीं मानी वो तो ठीक है, खुद के एटम बॉम्ब्स बना लिए। और 1945 में जापान की 2 पोर्ट सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी पे उनको गिरा भी दिया। आइंस्टाइन ना इस बात से बहुत दुखी थे। अब जब अमेरिका वालों ने बात नहीं सुनी ना, तो उन्होंने एक पब्लिक मिसिव
मिसिव बोले तो एक ऑफिशियल लेटर, विच इज यूजुअली लॉन्ग, एक लंबा सा लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को कि ये जो सब चल रहा है ना, ये बहुत गलत है, हमें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो ये एटम बॉम्ब्स, आर्म्स, इन सब पे रोक लगाए। पर यूनाइटेड नेशंस वालों ने भी उनकी बात पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ से धीरे धीरे ना उन्होंने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना शुरू किया। उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि ये आर्म्स, वेपन्स, इन सब को थोड़ा साइड में करें और पीस एंड डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया में फैलाएं। तुम्हें पता है वो आइंस्टाइन जो थे ना, उनको विजनरी माना जाता था। विजनरी बोले तो जो दूर का देख लेते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये मत समझना कि वो ज्योतिष थे, ज्योतिष नहीं थे। वो अपने लॉजिकल थिंकिंग से ये प्रेडिक्ट कर लेते थे कि अगर अभी ऐसा काम नहीं किया ना तो फ्यूचर में मुसीबत आ सकती है। ही इज कंसिडर्ड एज अ वर्ल्ड सिटीजन, जीनियस, खतरनाक इंटेलिजेंट। 76 ईयर्स की एज में 1955 में उनकी डेथ हो गई। पर आज तक भी ना जब कभी भी अकलमंदी की बात आती है तो आइंस्टाइन का नाम ही सबसे पहले आता है। आइंस्टाइन को बचपन में ना ढोल माना जाता था, एकदम कमाल, पर बड़े होके वो जीनियस बने। इसका मतलब तुम अगर अभी ढोल हो या नहीं भी हो तो भी तुम जीनियस बन सकते हो।